साथ हैं या नहीं ये बताएं विपक्ष। नहीं नहीं, विपक्ष बिल्कुल हम लोग सब साथ हैं और हम सब खास करके टीएमसी के हैं और टीएमसी की देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री हमारे पूरे देश में अकेली जो मुख्यमंत्री है महिला श्रीमती उन्होंने हमारी ममता बनर्जी जी सबसे पहले उसने आवाज उठाई थी। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी आवाज उठाई थी बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत कुछ हुआ भी था, होते होते ये फिर पारित होते होते किन कारणों से नहीं पारित हुआ आप सबों को पता है, लेकिन अब ये बिल जो आया है अभी कह सकता हूं देर से आया है पर लगता है दुरुस्त आया है। और ये बिल जो आया है क्योंकि आज के दिन में हमारे लोकसभा में जहां पे सिर्फ 14-15% महिलाएं हैं या राज्यसभा में 11-12% से भी कम है महिलाएं, वहां आज जरूरी बनता था कि महिलाओं की संख्या बढ़े और महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाए और खासकर पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट डिसीशन में जितने हैं उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए बराबरी के साथ। बराबरी के साथ नहीं भी कर सकते तो अच्छी शुरुआत है ये 33% रिजर्वेशन देने की, उनको मैं समझता हूं ये बहुत बढ़िया कदम है। हाँ, इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत ज्यादा समर्थन देते हुए भी बहुत ज्यादा बहुत लोग उत्साहित नहीं है, इसलिए कि अभी इतना आसान इतना बढ़िया तरीके से जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे या सरकार चाह रही थी इसके अंदर पेंच बहुत है, यानी अभी सेंसस भी होना बाकी है उसमें बहुत लगेगा उस प्रक्रिया में, उसके बाद डिलिमिटेशन की बात होगी, डिलिमिटेशन के बाद सीटों का चयन और जिन जिन महिलाओं को देना है उनका भी ये निवारण करना पड़ेगा, उनका भी चयन करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात करते हैं वंशवाद की कि कहीं वंशवाद का सिलसिला जो कुछ हद तक तथाकथित वंशवाद का सिलसिला कुछ हद तक महिलाओं में भी देखा जा रहा है कहीं आगे भी तो ऐसा नहीं होगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि सिर्फ कहीं महिला पार्षद पति जो होते हैं जब कहीं महिला एमपी पति जो नहीं काम करेंगे, आज बहुत जगह ऐसा हो रहा है जहां आप देखते हैं कि मेयर तो कोई और है महिला है उनका बेटा या पति या पार्षद कोई और है और उनके पति देखते हैं कि हम पार्षद पति हैं वो फैसला करते हैं। इन बातों पर भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि सही चयन हो, सही महिलाओं का चयन हो और सही तरीके से उसको आगे लाया जा सके, हमारी सबकी कोशिश। बहरहाल ये बिल देर से आया, एक सवाल और भी है कि इतने साल मोदी जी रहे 1914 में ही कर सकते थे उनके पूर्ण बहुमत की 2014 में कर सकते थे जबकि पूर्ण बहुमत थी, उसके बाद ये जो किया गया लगता तो जरूर है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के वोट का खास ख्याल रखते हुए ये बिल लेकर लाया गया है, सामने आए हैं लोग। लेकिन जैसा भी कहें जो भी कहें हम बिल का समर्थन करते हैं और इफ्स एंड बट्स के साथ समर्थन करते हैं और साथ ही साथ ये कहेंगे कि बिल बहुत ही बढ़िया। सर आखिरी सवाल, ओबीसी कोटा की बात कही जा रही है कि ओबीसी कोटा होना चाहिए, सपा ने भी कहा और सबने भी कहा। मैं तो आपको शुरू में ही कह रहा था कि पेच बहुत है इसमें, कोटा विदिन कोटा है, अभी उसको भी शांत करना है लोगों को और इस लॉजिक का भी समाधान पाना है। लोग कहते हैं पुरुषों में अगर है कोटा और पुरुषों में कोटा विदिन कोटा है तो महिलाओं में क्यों नहीं, इस सवाल का भी जवाब देना होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि उत्साह हम इतने उत्साहित नहीं है, प्रसन्न जरूर है क्योंकि ये बिल के अंदर भी पेच बहुत है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा, इन सब बातों पर भी जवाब देना होगा। सर प्लीज।